ओमनीपोटेंसी, यूनिवर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर। एक ओमनीपोटेंट इंसान हर चीज कर सकता है, नो मैटर कि वो चीज इमेजिनेबल है या फिर नहीं है। जिस भी इंसान के पास ओमनीपोटेंट पावर्स है ना, बिलीव में उसे ना इस यूनिवर्स के हर एक क्वेश्चन का आंसर पता है। वैसे तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं और अक्सर कह भी देते हैं कि एक इंसान की इमेजिनेशन ना लिमिटलेस होती है, इसका मतलब कि उसकी ना कोई सीमा नहीं होती। बट ओमनीपोटेंसी एक ऐसी सुपर पावर है जिसके आगे की इंसान की इमेजिनेशन की भी सीमा दिखाई देती है। तो हेलो एंड वेलकम गाइस एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ओमनीपोटेंसी के ऊपर कुछ ऐसी ही काफी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और अबाउट इस वीडियो के लास्ट तक हम इस चीज पे भी बात करेंगे, क्या ये चीज सच में पॉसिबल है या फिर ऐसे इसकी बातें करी जाती है। जिस भी इंसान के पास ओमनीपोटेंट पावर्स होती है ना, उसे सबसे ऊंचा माना जाता है। यहाँ तक कि ओमनीपोटेंसी को ना अबव ऑल नाम से भी जाना जाता है। ओमनीपोटेंट पावर्स सिर्फ तभी अचीव की जा सकती है जब बाकी की जितनी भी सुपर पावर्स है ना, जैसे टेलीकिनेसिस हो गया, पायरोकिनेसिस हो गया, इलेक्ट्रोकाइनेसिस हो गया, क्रायोकिनेसिस हो गया, इन सब में मास्टरी कर रखी हो। ओमनीपोटेंसी का एक फैक्ट ये भी है कि इस पूरे यूनिवर्स में ना सिर्फ एक ही ओमनीपोटेंट जीव रह सकता है। इसका मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है जिसके पास की ओमनीपोटेंट पावर्स होंगी। हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा ओमनीपोटेंट इंसान हो तो उनके बीच में ओपोजिशन बढ़ जाए। एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है ओमनीपोटेंसी के ऊपर, वो ये है कि कभी हम ना इसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हम ना कभी इसे पूरी तरीके से इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ना ओमनीपोटेंसी की लिमिट्स बताने की कोशिश कर रहा है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सुपर पावर की ना कोई भी लिमिट्स नहीं होती, इंसान ना इम्पॉसिबल चीज को भी कर सकता है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके माइंड में एक सवाल घूम रहा होगा, क्या ये सब सच में पॉसिबल है? देखो, इसका आंसर ना हाँ और ना दोनों है। हाँ तो इसीलिए कि ये सब ना एग्जिस्ट करता है, और ना इसीलिए कि भाई इसे ना कोई अचीव नहीं कर सकता, ना आज तक कोई ऐसा पैदा हुआ है और ना शायद होगा जो कि अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ ऐसी चीजों को सीखने के लिए सेक्रीफाइस कर दे। और सिर्फ एक इंसान की सोच लिए ना ऐसी चीजों को नहीं सीखा जा सकता। इसे सीखने के लिए ना आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना होगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले ना बाकी की सुपर पावर सीखनी है। और एक बात सबसे जरूरी ये है कि जब भी आप इसे सीखो ना, तो आप अपने माइंड में ये बात रखना कि ये चीज़ें ना सच में एग्जिस्ट करती है। बिकॉज अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचोगे ना कि यार ये चीज़ें नहीं होती, ये हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं, तो फिर ना आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस गाइस ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।